वेलकम टू टॉक विद साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी के बारे में, और बात करेंगे 18 अप्रैल को जो धरना होने वाला था यूपी ट्रिपल सी में, उसका क्या हुआ आज, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। यूपी ट्रिपल सी कैलेंडर के बारे में जानकारी देंगे, AGTA की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में जानकारी देंगे, और अन्य भर्तियाँ जो हैं लेखपाल वीडियो या अन्य भर्तियाँ उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है जो भी न्यूज़ अपडेट होती है। तो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बना के बता दिया था आप लोगों को कि 18 अप्रैल को सभी भर्तियों के छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं UP SSC में, और जो उप मुख्यमंत्री हैं UP के ब्रजेश पाठक जी, उनसे भी मुलाकात करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था जो कि जो छात्र वहाँ पे जाना चाहता था और इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके जा सकता था साथ में। तो दोस्तों, जानकारी निकल के ये आ रही है कि UP SSC में आज छात्र पहुँचे थे, तो वहाँ पर भर्तियों की जानकारी ली गई और कुछ नेताओं से मिलने की कोशिश भी की गई, तो कुछ नेता लोग तो आज मिल गए और कुछ नेता लोग नहीं मिल पाए, तो उनसे अब कल या परसों बाद में मिलने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी निकल के आई मैं आप लोगों को बता देता हूँ। UP SSC में आज कुछ भर्तियों की जानकारी दी गई। सबसे पहले कैलेंडर की बात करते हैं, तो UP SSC का जो कैलेंडर है वो अप्रैल में भी आना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 14 अप्रैल को सभी छात्रों द्वारा एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था। तब आयोग की तरफ से बताया गया था कि 21-22 मार्च को आप लोगों का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कैलेंडर अभी तक नहीं आया, कोई अता पता नहीं है। और बाद में बोला गया कि इसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं, कुछ चेंज किए जा रहे हैं, इसलिए ये अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, लेकिन अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। तो अप्रैल में भी बहुत ही मुश्किल है कि UP SSC अपना कैलेंडर जारी कर पाए, क्योंकि अब UP SSC जो है वो मुश्किल से जारी कर सकता है कैलेंडर। और अब बात करते हैं कि भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों, UP SSC से पहली भर्ती जो है वो LDA और UDA की आने वाली है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बना के बता दिया था। और AGTA की जो वैकेंसी है ये अब लेट होगी, अब अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, मतलब इसका विज्ञापन जो है बनके तैयार है, लगभग रेडी है, और जानकारी जब जनवरी में धरना प्रदर्शन का दिया गया था तो ये बोला गया था कि लेखपाल के बाद में आप लोगों का AGTA का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, एग्रीकल्चर के जो छात्र थे वो कमज़ोर पड़ गए, धरना प्रदर्शन में कम ही लोग पहुंचे थे, तो ITI अनुदेशक का जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया था, तो AGTA का तब भी जारी नहीं हो पाया था। और धरना प्रदर्शन में अब 25 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा गया है AGTA के छात्रों द्वारा, अगर इसमें भी छात्र नहीं पहुंचते हैं तो AGTA की वैकेंसी फिर नहीं आएगी, क्योंकि जानकारी अभी भी यही निकल के आ रही है कि AGTA की वैकेंसी आने को तो है, लेकिन कब आएगी अभी ये पता नहीं, आयोग 1-2 महीने करके आगे आगे टरका रहा है, क्योंकि आप लोगों को जो जानकारी दी जाती है सही जानकारी दी जाती है, लेकिन आयोग जो है वो 1-2 महीने करके वैकेंसी आगे बढ़ा देता है कि अगले महीने में आएगी, जनवरी में बोलता फरवरी में आएगी, फरवरी में बोलता अप्रैल में आएगी, और अप्रैल में बोल रहा है कि पता नहीं कब आएगी, मतलब अगले अगले महीने में बढ़ा रहा है। तो आप लोगों को विशाल धरना प्रदर्शन करना है 25 अप्रैल को, सभी छात्र पहुँच रहे हैं, अगर विशाल धरना प्रदर्शन नहीं हुआ तो ये वैकेंसी फिर हो सकता है अगले PET में पहुँच जाए, कोई आयोग का भरोसा नहीं है, क्योंकि PET की वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो अगला PET भी करवाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं लेखपाल की, लेखपाल की तो जानकारी आप लोगों को दे दी थी, इसकी कट ऑफ जो है वो इसी महीने में जारी हो सकती है, और जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने को है, और वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो भी जल्दी हो जाएगा। जो छात्र पूछ रहे थे कमेंट कर करके कि सुप्रीम कोर्ट में इसके छात्र जा सकते हैं, तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि कोई भी छात्र सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो अभी तक वीडियो का जो आपकी भर्ती है वो सेफ है, आयोग के हाथ में है, तो आयोग जब चाहेगा इसका एग्ज़ाम ले लेगा। तो जानकारी निकल के आ रही है कि जुलाई के बाद अगस्त में सितंबर में इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, और इसके अलावा अन्य रिजल्ट हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के जारी कर सकता है आयोग, और बाकी यही जानकारी प्राप्त हो रही है आयोग की तरफ से। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी एग्रीकल्चर के छात्र UP SSC के धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 25 तारीख को, तो कृपया करके मास्क लगा के ज़रूर जाएं, क्योंकि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे NCR से जुड़े सभी जनपद और लखनऊ में मास्क अनिवार्य किया गया है। जो NCR के जनपद हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत तथा लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों पे ये मास्क जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और कोरोना लक्षण युक्त मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जानकारी निकल आ रही है, तो आप लोग 25 तारीख को जा रहे हैं ना धरना प्रदर्शन करने पिकअप भवन लखनऊ में, तो मास्क जरूर जरूर और ज़रूर लेके जाएं, बिना मास्क के ना जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें, धरना प्रदर्शन करें, तभी आपकी वैकेंसी का कुछ हो सकता है, नहीं तो AGTA की वैकेंसी भूल जाइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।